ओए मेरे प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख ही सकते हो, ओनली 6000 सब्सक्राइबर लेफ्ट है हमारी 200K फैमिली को कंप्लीट होने में। तो जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो चैनल को, जल्दी से कर दो ना, ताकि हम लोग की 200K फैमिली जल्द से जल्द कंप्लीट हो जाए। और गाइस, जैसे ही 200K फैमिली कंप्लीट होती है, उसके बाद हम लोग एक बहुत ही स्पेशल Q&A वीडियो आपके लिए लाएंगे। तो गाइस, उसके लिए जरूर तैयार रहिएगा। और गाइस, आज हम एक बार फिर से खेल रहे हैं माइनक्राफ्ट पॉकेट एडिशन सर्वाइवल सीरीज। तो गाइस, पिछली दो वीडियो में हम लोगों ने पूरे जंगल बायोम को एक्सप्लोर किया, हमने जंगल टेंपल को भी एक्सप्लोर किया था। तो गाइस, आज हम लोग अपने पांडास और जितने भी गाइस ऑसलोट हैं अपने घर ले जाने वाले हैं। तो गाइस, वीडियो को पूरा देखेगा क्योंकि वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। ओए, अब बात कर लेते हैं पिछली वाली वीडियो के शाउट आउट के बारे में। तो पिछली वाली वीडियो हो या कोई भी वीडियो हो, तुम तो जानते हो जैक एक ही शाउट आउट देता है, और जैक का फंडा भी एक ही रहता है, जो कि 2.5 किलो वाला तोड़ने फोड़ने वाला शाउट आउट देता है जैक। लेकिन जैसा कि आप लोग जानते होंगे, बहुत दिनों से जैक 1000 किलो का शाउट आउट दे रहा है, जैसा कि आप लोग जानते भी होंगे। तो आज भी मेरी तरफ से सभी को 1000 किलो वाला तोड़ने फोड़ने वाला शाउट आउट, और तोड़ दो और फोड़ दो, और कॉमेंट सेक्शन में भसड़ मचा दिया करो। सभी लोग एकदम एक साथ कॉमेंट किया करो। और गाइस, मेरी तरफ से सभी को एकदम बड़े वाला शाउट आउट, वर्ल्ड का गाइस सबसे बेस्ट शाउट आउट आपके लिए। चलिए गाइस, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हे भैया, ये देखिए कितनी खलबली मची हुई है। ओए मुन्ना, ये ऑसलॉट भी परेशान कर लेती हैं। तो गाइस, मैं बता दूं, हम लोगों ने दो दो ऑसलॉट टेम कर लिए हैं। और गाइस, ये पैरेट बहुत परेशान करते हैं। ओ मुन्ना, ये तो मारने का मन करता है, दिमाग खराब कर देते हैं, पता नहीं कैसी कैसी, कहीं क्रीपर की आवाज, कहीं क्रीपर की आवाज, सभी की आवाज निकालते रहते हैं। और गाइस, जो हम लोग का पांडा था, उसको हमने जंगल में छोड़ दिया था, क्योंकि गाइस वो पांडा जैसे ही बोट में बैठता था, वैसे ही गाइस ना हम लोग बोट चला पाते थे, ना गाइस उसमें लीड बांध पाते थे। इसीलिए गाइस, हमने छोटा सा बेबी पांडा को टेम कर लिया, और गाइस इसे ही हम लोग अपने घर ले चलेंगे। देखो गाइस, क्यूट भी लग रहा है ना, कॉमेंट सेक्शन में बताना, बिल्कुल ना भूलिएगा ना। तो गाइस, जंगल बायोम से जो हम लोग को लेना था, हमने सब कुछ ले लिया। हमने गाइस पूरा दोनों पैरेट भी टेम किया, और गाइस दो ऑसलॉट भी है हमारे पास, और गाइस एक हमारा छोटा सा बेबी सा पांडा भी है। तो गाइस, आज हम इन सबको अपने घर ले जाने वाले हैं। तो गाइस चलिए, एडवेंचर काफी ज्यादा मजेदार होने वाला है। हे भैया, सामान वगैरह जल्दी से रख दीजिए ना। वही रख रहा हूँ मुन्ना, क्योंकि फालतू सामान इन्वेंट्री में पड़े रहते हैं, अभी कहीं मर वगैरह गए तो पूरा एकदम दिक्कत ही हो जाएगी। हाँ भैया, दिक्कत तो हो जाएगी। चलिए भैया, मैंने इलाइट्रा को भी उतार दिया है, क्योंकि भैया इलाइट्रा का तो काम है ही नहीं। क्योंकि भैया, हमें अपने पांडास और ऑफलोड को भी तो ले जाना है ना। ओ ये भी बात सही कही। ओ कैटी, ये लो फिश खा लो जल्दी जल्दी, क्योंकि लंबा सफर होने वाला है। ये क्या, ये लोग तो ब्रीडिंग करने लगे। हे भैया, छोटी ऑफलोड आ गई। अब ये क्या, ये भी चलेगी क्या? हाँ भैया, इसे ले जाना तो पड़ेगा ही ना। क्योंकि भैया यहाँ पर बेचारी अकेली रहेगी तो क्या करेगी। चलिए भैया, इसको बेबी पांडा के साथ ही बैठा देते हैं ना। ओए मुन्ना, सफर बहुत लंबा है, कैसे ले जाएगा। हे भैया, चलिए किसी तरह से एडजस्ट कर लेंगे ना। लेकिन भैया, बेचारी अकेली रहेगी तो भैया इसको भी बुरा लगेगा ना। ओए मुन्ना, बुरा तो लगेगा, बात तो सही है, लेकिन ले कैसे चलेंगे। हे भैया, रुक जाइए, कुछ जुगाड़ सोचने दीजिए। चलिए भैया, हम लोग अपना सामान भी इधर से जल्दी जल्दी उठा लेते हैं ना, क्योंकि भैया घर भी तो चलना है ना। हे भैया, वो देखिए, ऑसलॉट तो वहीं पर बोट में बैठ गई, कितनी प्यारी है। ओए मुन्ना, तब तो आसान हो जाएगा ना। हाँ भैया, लीड बांध के देखते हैं, अगर भैया लीड बोट में बांधती है तब तो भैया एकदम सही होगा, हम दोनों को ले जा सकते हैं। लेकिन भैया, अगर नहीं बांध पाएगी तो क्या करेंगे। ओए मुन्ना, तब तो बुरा होगा। और तुम लोग भी जल्दी से कंधों में बैठो, यहाँ पर क्या बैठे हुए हो, बैठ गए क्या। ओए अब कान मत खा जाना, ये देख मुन्ना कान खाने लगे, पता नहीं कहीं क्रीपर, कहीं स्केलेटन, पता नहीं जॉम्बी पॉम्बी की आवाज भी निकालते रहते हैं। ओए ऑसलोटो, चलो तुम भी चलो। ओए वो देखो, उसके अलग सपने गुजर रहे हैं यहाँ पर। तो चलिए भैया, ऑसलोट भी मिल गई है दोनों। अब इन्हें देखते हैं लीड बनती है कि नहीं। हाँ भैया, लीड बन रही है, मजे की बात है। चलिए भैया, अब हम सबको अपने साथ ले जा सकते हैं। मैं भैया बेड भी ले लेता हूँ, नहीं तो भैया रास्ते में अगर रात हो चुकी तो भैया हम लोग क्या करेंगे, जॉम्बी खामोखा परेशान करेंगे। और भैया अभी तो हमारे सास ऑसलॉट और पांडास भी हैं, तो भैया दिक्कत कर सकते हैं। ओए बूट तो पहने हैं ना वो वाले। हाँ भैया, तभी तो हम लोग पानी में चल पा रहे हैं। ओए मुन्ना, एक फायदा हम लोग को और हो गया, देख ले आइस बन गई, पूरी तरह से फिसलते हुए जल्दी जल्दी आ रहे हैं। हाँ भैया, अगर पानी का ही रास्ता होता तो भैया कितना मजेदार रहता ना। हम भैया जल्द से जल्द घर पहुँच जाते। ओए मुन्ना, बात तो सही कही है, लेकिन सामने जंगल ही पड़ जाएगा। हाँ भैया, जंगल से तो हम लोग आए ही हैं। पानी तो भैया थोड़ी दूर के लिए है, और चल जितनी दूर जाता है उतनी दूर ले चलते हैं, और आराम से आना सभी लोग। ओए मुन्ना, ये देखते रहना। हाँ भैया, मैं देख रहा हूँ, आप टेंशन मत लीजिए। ओए कहीं पानी वगैरह में गिर जाए तो दिक्कत हो जाएगी, तब तो हम ही लोग को दिक्कत होगी ना।
हाँ भैया दिक्कत होगी, लेकिन भैया पांडास को कोई दिक्कत नहीं होगी क्योंकि भैया पांडा बोट में बैठे हुए हैं। और वो देख सामने जंगल पड़ ही गया, मैंने उन्हें पहले ही कहा था। रुक जाइए भैया, शायद हम लोग घूम के चल सकते हैं ना। और कितना घूम के चलेगा, पहले और भी देखो, वो देख सामने जंगल तो पड़ेगा ही ना। हाँ भैया बात तो आपने बिल्कुल सही कही। लेकिन भैया हम लोग इन्हें ले चलेंगे क्योंकि भैया हम लोग हार नहीं मानते मुश्किल वक्त कमांडो सक। क्योंकि भैया हमारी आर्मी जो है वो रॉक इंडियन आर्मी है जो कि भैया कभी हार नहीं मानती। और मुन्ना ये बात तो तूने कहकर मेरे एकदम जोशी जगा दिया, अब तो मुन्ना हमें चलना ही पड़ेगा। हाँ भैया चलना तो पड़ेगा ही। चलिए भैया चलते रहना है, रुकना नहीं है रास्ते में, और अब तो रुकना ही पड़ेगा क्योंकि मुन्ना जंगल आ गया, अब इन लोग को चढ़ाएंगे कैसे ऊपर। एक तो मुन्ना एक बोट में बैठा हुआ वही दिक्कत करेगा, और मुन्ना अगर पांडा लीड में बन जाता ना तो मज़ा ही आ जाता, लेकिन क्या बताएं बन ही नहीं रहा। हाँ भैया यही बात तो दिक्कत है। चलिए भैया वैसे मेरे पास आइडियाज़ बहुत सारे हैं, उनको ही लगाते हैं। रुक जाइए भैया मैं स्टोन निकालता हूँ, फिर भैया धीरे धीरे कर कर ले चलेंगे और क्या करेंगे। क्योंकि भैया यही रास्ता बचा ही है और भैया दूसरा रास्ता ही नहीं। और आराम से करना मुन्ना, पांडा को चोट नहीं लगनी चाहिए। हाँ भैया कोई दिक्कत नहीं, मैं एकदम आराम से करूँगा। चलिए भैया एक ब्लॉक तो ऊपर आ चुका है, अब और आगे बढ़ते हैं। और ये ऑसलॉट क्यों इतनी उछल रही हैं? हे भैया ऑसलॉट खेलते कूदते चल रही हैं, उन्हें मजा करने दीजिए ना। ओए मुन्ना उनका मजा तो ठीक है, लेकिन ये मुन्ना पैर से एकदम कान में पूरा बाजा ही बजा देते हैं। पता नहीं उतनी देर से कहीं क्रीपर की आवाज़ निकलेंगे, पता नहीं ये देखो पता नहीं किसकी किसकी आवाज़ कॉपी कर लेते हैं। हाँ भैया इनके पास काफ़ी ज़्यादा टैलेंट रहता है। हे भैया आराम से, ऑसलॉट को लगनी नहीं चाहिए। ओह मुन्ना मैं संभाल के ही कर रहा हूँ, टेंशन तो मत ले। चल इधर लगा कॉपर स्टोन। हाँ भैया लगा रहा हूँ, स्टोन है भैया ये। ओए चल जो भी हो मुन्ना, इतनी जानकारी मैं भी रख लेता हूँ। ओए चल अब आगे धीरे धीरे बढ़ना है। हाँ भैया चूंकि सफ़र काफ़ी ज़्यादा लंबा होने वाला है, देखिए भैया हम लोग को बार बार इसी तरह से करना पड़ेगा, नहीं तो भैया हम घर भी कैसे पहुँचेंगे। ओए मुन्ना ये देख सामने तो एक बहुत ही घना जंगल पड़ गया। हाँ भैया अब तो चलना तो पड़ेगा ही ना, क्या कर सकते हैं। क्योंकि भैया एक को भी नहीं छोड़ना, सभी को ले चलना है। तो गाइस इसी बात पर एक लाइक मार दीजिएगा ना, क्योंकि गाइस इससे काफी ज्यादा कॉन्फिडेंस मिलता है। ओए मुन्ना आराम आराम लाना, नहीं तो रस्सी छूट जाएगी। हाँ भैया मैं इसी चीज का ध्यान रख रहा हूँ। ओए आराम आराम। हाँ भैया मैं रख रहा हूँ, बार बार बोलने की जरूरत नहीं है। ओए ये क्या सामने विलेज है क्या मुन्ना? हाँ भैया विलेज तो लग रहा है। चलिए भैया देख ही लेते हैं। ओए ये क्या? ओए मुन्ना गड्ढे में ना गिरना। हाँ भैया देख रहा हूँ। ओए मुन्ना ये विलेज मुझे भूतिया टाइप का लग रहा है। हे भैया इस विलेज के सारे विलेजर जॉम्बी में कन्वर्ट हो चुके हैं। मतलब कि भैया किसी काम का नहीं है। ओए चल वो तो सही है, लेकिन इसको बंद कर देता हूँ, नहीं तो हमारी प्यारी ऑफलोड वगैरह नीचे ना गिर जाए तो मुन्ना एकदम बेकार ही हो जाएगा ना, पूरी मेहनत एकदम पानी में फिर जाएगी। हाँ भैया ये भी बात सही है। चलिए भैया जल्दी इसको बंद कर दीजिए। ओए ये ऑसलॉट इतना उछल क्यों रही है? ओए एक ही जगह पर ऑसलॉट। ओए ये क्या मुन्ना, इसकी रस्सी कैसे टूट गई? हे भैया पकड़िए इसको जल्दी से। भाग रही है। ओए कहाँ भाग रही है, अभी हमारे साथ ही चल रही थी। ओए ये क्या, इतनी मछलियाँ खिलाई फिर भी। ये क्या मुन्ना, पांडास कहाँ चले गए? हे भैया वो तो पीछे छूट गए। लगता है भैया रस्सी कट गई होगी, इसलिए भैया। हे भैया पकड़िए इसको आराम से, नहीं तो भैया नीचे गिर जाएगी। ओए रुक जा लेकर आता हूँ ऊपर। हे भैया ये पांडास बिना दिक्कत करेंगे भैया ये लोग। ओए मुन्ना चलना तो पड़ेगा है ना, ये देख कितनी क्यूट सी नजरों से देख रहा है। हाँ भैया आप टेंशन मत लीजिए, क्योंकि भैया ऑगी ने जो एक बार कमिटमेंट कर दी, फिर भैया ऑगी अपने आप की भी नहीं सुनता। ओए डायलॉग बाजी से अच्छा मुन्ना तू अपने रास्ते पर ध्यान दे। हाँ भैया वही दे रहा हूँ, कभी कभी भैया डायलॉग बाजी कर लेनी चाहिए। ओए मुन्ना फिलहाल तो हमारी बैंड बजी हुई है, तुझे डायलॉग बाजी की सूझ रही है। चलिए भैया पहुँच चलेगा ना। भैया धीरे धीरे लेकिन पहुँच तो चलेंगे ना। और कैसे पहुँचेंगे, मैं सामने देख रहा है कितने बड़े बड़े जंगल हैं। हाँ भैया जंगल तो बहुत बड़े बड़े हैं। चलिए भैया पांडास को धीरे धीरे लाते हैं, चोट नहीं लगनी चाहिए इनको। और मुन्ना ये क्या कर रहा है ना मुन्ना, निकल ले विलेजर, तू अब भूत बन चुका है, अब किसी काम का नहीं है। वही हमारी ऑफलोड का देख रही हैं। और मुन्ना ऑफलोड का एक फ़ायदा ज़रूर होगा ना, इससे क्रीपर तो डरेंगे ही ना, क्योंकि मुन्ना ये भी तो बिल्ली में आती है ना। हाँ भैया क्यों नहीं डरते हैं भैया क्रीपर इससे। ओए चल तब तो ठीक है, नहीं तो रात वगैरह होती तो क्रीपर पहले से आ जाते हैं और फूटने लगते हैं। हाँ भैया वो बात तो सही है, लेकिन चलिए भैया अभी रास्ते पर ध्यान देते हैं, ऊपर कैसे चढ़े। ओए वही क्या, वही स्टोन लगा और क्या, नहीं तो ऊपर कैसे चढ़ेगा। ओए मुन्ना उसकी रस्सी ना टूटने पाए। हाँ भैया मैं देख रहा हूँ। ओए ये क्या लग कैसे रही है पांडा को हमारे,
हे भैया, जो हमारी बोट है थोड़ा सा डर्ट के साइड में चली गई थी, इसलिए भैया इन लोगों को चोट लग गई। और मुन्ना, एक तो ऐसे भी छोटे छोटे दोनों हैं, इनको चोट नहीं लगनी चाहिए। हाँ भैया, मैं पूरा ध्यान दे रहा हूँ। चलिए भैया ऊपर चढ़ते हैं। ओ ये क्या, इधर से लोग एक कदम भी नहीं बढ़ पाएंगे। रुक जाइए भैया, थोड़ा सा पेशेंस रखिए ना। मैं करता हूँ ना जुगाड़ भैया। और जुगाड़ कैसे करेगा, इन्हें कहाँ ले जा रहा है ऊपर टांग के? नहीं भैया, मैं इनको आगे बढ़ा रहा हूँ ताकि भैया हम लोग आगे बढ़ सके ना। और चल ठीक है, जो भी कर रहा है लेकिन थोड़ा आराम से करना। हाँ भैया वही कर रहा हूँ। ए भैया, आप पांडास का ध्यान रखिएगा, कहीं नीचे ना गिर जाए। और चल ठीक है, मैं देख रहा हूँ, तू आराम से करना। हाँ भैया, आराम आराम से कर रहा हूँ। हे भैया, ये तो बहुत ही लंबा पड़ने वाला है इस तरह जो सफ़र होगा। और अब कर भी क्या सकते हैं, करना तो पड़ेगा ही ना मुन्ना। भैया दोनों ऑफ लोड कहाँ भाग गई? हे भैया, हम लोग एक रात के लिए सोए क्या, दोनों ऑफ लोड भाग ही गई। और रुक जा, मैं ढूंढता हूँ यही कहीं होंगी, भागेंगी कहाँ पर। ओए कहाँ गई ये रही मुन्ना, एक तो यहीं पर मिल गई। चलिए भैया जल्दी पकड़िए। ओए तू क्यों उतर गया, जल्दी कंधे में चढ़ जा, नहीं तो मैं छोड़ के चला भी जाऊंगा। ओए दिमाग वैसे भी खराब कर देते हो तुम लोग। हे भैया एक और ढूंढिए, यहीं पर कहीं होगी। ओए मुन्ना ढूंढ ही तो रहा हूँ, नहीं मिल रही तो मैं क्या करूँ। ओए अब तू कहाँ भाग, ये क्या, इसका तो लीड बांधी नहीं है भैया, लीड बांध दिया ना। ओए मुन्ना ये लोग भी दिमाग खराब कर रहे हैं, पता नहीं इधर से उधर। एक तो मुन्ना उतना लंबा सफर तय करके मैं आऊँ, मेरा दिमाग पूरा खराब ही हो गया। चल मुन्ना आगे उसको भी ढूंढते हैं, कहाँ गई ऑसलॉट, वो पता नहीं कहाँ घूम रही है। और यहाँ पर नहीं बन सकती क्या? ओए मुन्ना उसको ढूंढना ही पड़ेगा। हे भैया वो रही सामने, देखिए सिप्स के साथ है। ओए उसके साथ बातचीत करने लगी क्या? ओए इधर चल ऑसलॉट, हम लोग को चलना है आगे, इतना लंबा सफर। ओए एक तो मुन्ना ये पैरेट बार बार उतर जाता है, दोनों ही उतर गए। हाँ भैया उतर जाने दीजिए, और पीछे पीछे आ जाएंगे धीरे धीरे। ओए मुन्ना अब चल चलते हैं, बहुत हो गया आराम। हाँ भैया आराम तो हो गया। लेकिन भैया मुझे भूख बहुत तेज से लगी है। ओए मुन्ना अब खाना तभी खाएंगे जब हम लोग घर पहुँच जाएंगे। हे भैया काफ़ी ज़्यादा लंबा सफ़र है। ओए कुछ नहीं, सब हम लोग अब घर पहुँचेगा तभी खाना खाएंगे। ओए चल पांडास, चल मुन्ना पांडास को भी खाना भी खिलाना है। हाँ भैया दोनों को खिलाना है, बेबी ऑफ लोड को भी भैया और बेबी पांडा को भी भैया। ओए मैं देख रहा हूँ, आराम से मुन्ना आराम से। हाँ भैया आराम से हिला रहा हूँ। चलिए भैया शुक्र मनाइए, सामने पानी आ चुका है तो इतना दिक्कत नहीं होगी। क्योंकि भैया आप तो जानते हैं ना, हमारे पास फर्स्ट वॉकर के बूट्स हैं। और चल मैं जानता हूँ, पहले धीरे धीरे तक पानी तक ले चल किसी तरह, नहीं तो यहीं पर फंसा देगा क्या? नहीं भैया नहीं फंसाऊँगा। चलिए भैया आराम से चलिएगा, उसकी रस्सी ना टूटने पाए। और तू पहले ध्यान, वो देख टूट ही गए मुन्ना, थोड़ा ध्यान से चला कर, इतनी जल्दीबाजी किस लिए है? हे भैया मैं क्या करूँ। मैं सोचा भैया जल्दी से पानी की ओर पहुँच जाए, फिर तो भैया कोई दिक्कत ही नहीं होगी, पूरा पानी भी भैया बर्फ़ बना देंगे। फिर तो भैया ये लोग जल्दी जल्दी चलेंगे ना। और रुक जा मैं इस बार देख के चलता हूँ। और ये क्या, ये तो बहुत जल्दी उसमें भी बदल जाएगा, पानी में भी। हाँ भैया क्योंकि अभी हमारे पास फर्स्ट वॉकर फर्स्ट इंचेंटमेंट लगी हुई है, इतना ज़्यादा भी असर नहीं करती। और चल ठीक है, किसी तरह से पानी मिला इसको, आराम से भैया एकदम आराम आराम लाना है। चलिए भैया आ गया पानी में। और पानी के अंदर भी चला गया क्या? नहीं भैया नहीं गया। चलिए भैया अब चलते हैं, आ रहे हैं ना। और चल आ रहे हैं, आराम आराम चलना, बस यही करना। हाँ भैया मैं कर रहा हूँ। हे भैया पैरट्स कहाँ चले गए? और पैरट्स तो मुन्ना कंधे में बैठे होंगे, और कहाँ होंगे, उनकी जगह एक ही जगह रहती है और बेफालतू की बातें करते रहते हैं, पता नहीं क्रीपर प्रीपर की आवाज़ निकाल रहे हैं और क्या। चलिए भैया उनको इग्नोर मारिए। हमारा घर भी भैया आने ही वाला होगा, क्योंकि भैया शायद इसी कोऑर्डिनेट में हमारा घर भी होगा। ओए ये क्या, पांडा आगे निकल गया हमसे। हाँ भैया ये आइस का कमाल है। आइस में तो भैया बोट जो हमारी एकदम मक्खन जैसे चलती है। ओए अपना घर ही नहीं दिख रहा मुन्ना, कितना दूर है। भैया वो देखिए सामने, देखिए भैया हमारा एक्सपी फॉर्म पहले दिख जाता है। ओए घर भी तो दिख गया। हाँ भैया चलिए शुक्र मनाइए, भैया फाइनली जाकर घर आ चुका है। हे भैया हम लोग को तो इस सफ़र में बैंड ही बज गई। और मुन्ना हम लोग को जाते समय तो मज़ा आ रहा था, लेकिन आते समय हम लोग को सज़ा मिल रही है। हाँ भैया लेकिन कर भी क्या सकते हैं ना, इन सब को भी तो लाना था वहाँ से। ओ ये भी बात सही है, नहीं तो बार बार जंगल में कौन जाता। हाँ भैया ये भी बात सही है, दिक्कत हम लोग को ही पड़ती। ए भैया ये देखिए हम लोग का सीक्रेट बेस। ओए चल उसको रहने दे, उसको बाद में देखेंगे। चल मुन्ना अभी यहाँ से भी हम लोग को बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा। हाँ भैया यहाँ से भी अभी मेहनत पड़ने ही वाली है। ओ ये लोग आ रहे हैं कि नहीं? हाँ भैया फाइनली जाकर
ये लोग हमारे घर आ चुके हैं। है छोटी पांडा, देखो हम लोग का घर। और अभी क्या देखेगा, पहले रुक जा, खाना खाना दे, भूख बहुत तेज से लगी है। हे भैया मैं भी खा लूँ, रुक जाइए। चलिए भैया खाना वगैरह तो हो गया। और पैरेट्स तुम लोग आवाज़ क्या निकाल रहे हो, चुपचाप नहीं बैठ सकते क्या? पता नहीं फालतू की बकर बकर दोनों आपस में करते रहते हैं। ओए चलिए भैया ये पांडा को भी जल्दी से ऊपर लाते हैं ना। ओए आ गया मुन्ना ऊपर, चल जल्दी से तोड़ दे इसको। हाँ भैया चलिए यहाँ से थोड़ा सा आसान तो होना चाहिए ना। ओए मुन्ना हम लोग घर तक तो आ गए, लेकिन हम लोग इनको घर के ऊपर कैसे ले चलेंगे? हे भैया उसका भी कुछ प्लान सोचना पड़ेगा। वैसे भैया देखते हैं, अगर ये लोग सीढ़ियों से चले जाते हैं तो उनमें से चलेंगे ना। ओए मुन्ना ये ऑफलोड तो सीढ़ी से चली जाएंगी, लेकिन मुन्ना बेबी पांडास कैसे ऊपर जाएगा? वो तो बोट में बैठा हुआ ना। हाँ भैया उसका भी कुछ मुझे दिमाग लगाने दीजिए। वैसे भैया चला तो जाना चाहिए। नहीं तो भैया वही वाला ऑप्शन ट्राई करेंगे भैया। चिंता की बात नहीं है। और चल ठीक है, वो वाला पैतरा काम कर जाए तो बढ़िया ही होगा। हाँ भैया वो तो होगा। ओए तू इतनी देर से कर के है, आगे बढ़ेगा? हाँ भैया चलिए बढ़ते हैं आगे। मुश्किल वक्त कमांडो शख्स। हे भैया ये रहा हमारा गोलम। ये क्या फिर से छूट गया पांडा? हे भैया ये पांडा उसका पता नहीं क्या दिक्कत होते रहता है। ये क्या तूने मुन्ना ऑफलोड को पहले लीड से बांध दिया, इसीलिए तो है। चलिए भैया पहले हम लोग ऑफलोड को ही ऊपर पहुंचा के आते हैं जल्दी से। चलो जल्दी जल्दी ऑफलोड आना। हे भैया देखते रह जाना, नहीं तो भैया नीचे ना गिर जाए। ओए मैं देख रहा हूँ, टेंशन मत ले, तू पहले ऊपर चढ़ेगा कि यहीं पर देखता रहेगा? हे भैया मैं ध्यान दे रहा हूँ, क्योंकि भैया ध्यान देना जरूरी है। ओए ये क्या, ओए मुन्ना बेबी वाला कहाँ चला गया? हे भैया मैंने बोला था ना ध्यान दीजिए। गड़बड़ कर दी ना आपने। ओए गड़बड़ क्या, मैं देख ही रहा था, पता नहीं नीचे गिर गया लग रहा है। हे भैया रुक जाइए, इनको जल्दी से यहीं पर बांधना पड़ेगा। रुक जाइए भैया मैं इनको यहीं पर छोड़ता हूँ, फिर नीचे जल्दी से चलते हैं। पता नहीं भैया आप ध्यान नहीं देते जल्दी से। ओए आप ध्यान कह दूँ, जल्दी चल, नहीं तो पता नहीं नीचे क्या गिर गई होगी बेचारी। हे भैया पहले गड़बड़ कर देते हैं फिर बोलने लगते हैं। आप ढूंढिए भैया वो पता नहीं कहाँ चली गई। इतनी क्यूट सी थी भैया, ओए कहाँ गिर गई? ओए छोटी ऑसलॉट बेबी। हे भैया बेबी ऑसलॉट है? ओए जो भी हो छोटी ऑसलॉट बेबी, या तो बेबी ऑसलॉट है तो बेबी है ना। हाँ भैया ढूंढिए, लेकिन ओए मुन्ना कहाँ चली गई गिर के? हे भैया चलिए पहले हम लोग अपने पांडा उसको पहुंचा के आते हैं। ओए चल बेबी पांडा पहले तुझे अपने घर छोड़ते हैं, नहीं तो रात हो जाएगी, दिक्कत होगी। ओए हे भैया ये चढ़ पाएगा क्या ऊपर? ओए देखना पड़ेगा मुन्ना, नहीं तो मुन्ना कॉपरस्टोन लगा के ऊपर चढ़ेंगे और क्या करेंगे। हाँ भैया ये भी बात सही है। चलिए भैया ट्राई करने में क्या जाता है। ओए आराम आराम चलना, बस रस्सी ना छूटने पाए। हाँ भैया देख रहा हूँ, भैया लग रहा है ऊपर आ रहा है। ओए आ तो रहा मुन्ना ऊपर, आराम आराम बस चलना आ जाएगा। हाँ भैया आ रहा है, चलिए भैया हम लोग कोई दिक्कत नहीं झेलनी पड़ी। हे भैया आराम आराम देखते रहिएगा बस, मैं आराम आराम से चलूँगा। ओए तू टेंशन मत ले, ये क्या एक साथ ही ऊपर आ गया। हाँ भैया चलिए अभी आसानी से ऊपर आ जाएगा। बस थोड़ी दूर और है और भैया बेबी पांडा हमारे नए घर में पहुंच जाएगा। ओए बेबी पांडा टेंशन मत लेना, ऊपर आ ही जाएगा तू। ओए मुन्ना मैं सोच रहा था इधर से तू रॉक लगा ले। हाँ भैया रुक जाइए मैं स्टोन लगा ही लेता हूँ, नहीं तो भैया कोई दिक्कत ना हो जाए। बेफालतू हम लोग परेशान हो। ओए चल ऊपर आ ही गया है, अब तोड़ दे। चलिए भैया फाइनली जाकर हम लोग कामयाब हो चुके हैं। बेबी पांडा और भैया ऑसलॉट को लेकर। ओए मुन्ना अभी वो बेबी ऑसलॉट नीचे ही होगी। हाँ भैया चलिए उसको भी ढूंढ लेंगे, कहीं लगता है भाग गई है। ओए भाग कैसे गई है, पहले रुक जाए इसको अंदर करने दे। हाँ भैया चलिए इसको रॉकी के साथ रखते हैं, रॉकी के साथ भैया बेबी पांडा कुछ दिन रहेगा। फिर भैया इसके लिए अभी एकदम भैया नया वाला घर बनाएंगे। ओए बात तो सही कही मुन्ना, इसके लिए भी एक बहुत बढ़िया घर बनाना पड़ेगा। हाँ भैया वही तो कह रहा हूँ ना मैं। ओए चल ठीक है आ गया के अंदर। हाँ भैया रुक जाइए बस फेंस लगा दूँ, ये भैया अब हो गया ये सेफ्टी के अंदर। चलो बेबी पांडा आज की रात तुम यहीं पर रहो, फिर हम लोग सुबह आते हैं। हे भैया चलिए रात हो रही है। ओए मूकू से मिल लेते। ओए मूकू आ गया मैं घर, वाव आ गए बिल्ली घर, वाव। ओए किटी कटियो कैसी हो? ओए ये क्या, ओए मुन्ना गलती से लग गई। हे भैया मत मारा कीजिए ना। ओए गलती से लग गई, मैं तो ऐसे हाथ मिला रहा था। हे भैया आप भी ना। चलिए भैया आप सोते हैं, बहुत दिन बाद भैया अपने घर आए। ओए बात तो सही कही, हमने जंगल बायो में काफी समय बिताया। हाँ भैया बात तो सही है। चलिए भैया मस्त सी नींद मारते हैं।
और मुन्ना तुरु पहले इन दोनों को बैठा रहे थे, पता नहीं कान खा जाते हैं दोनों। हे भैया जो भी हो, लेकिन भैया बहुत ही क्यूट लगते हैं ना। ओए क्यूट तो लगते हैं मुन्ना, लेकिन इन लोगों की एक ही खराबी है, आवाज़ बहुत ही घटिया निकालते हैं। ओए अपनी आवाज़ में क्यों नहीं बोला करते। चल मुन्ना अपने कैसल में दिक्कत नहीं है। हाँ भैया कैसल तो एकदम बढ़िया है। ओए चल मुन्ना आप स्विमिंग पूल में छलांग मारने दे, बहुत दिन से मैं नहाया नहीं हूँ माइनक्राफ्ट में। हाँ भैया रुक जाइए, मैं इस बार बूट्स को उतार दे रहा हूँ, नहीं तो भैया आपको पिछली बार की तरह लग ना जाए। ओए अब मज़ा आएगा, बहुत दिन बाद मुन्ना स्विमिंग पूल में जंप मारी है। हाँ भैया चलिए। चलिए भैया पांडास को कुछ खाना खिला देते ना। ओए ये क्या रॉकी भी बैठ गया उसमें। ओए रॉकी क्या करता रहता तू भी ना, बोट में पता नहीं कैसे बैठ गया। चलिए भैया बोट को हटा ही दीजिए ना। और रुक जा मुन्ना मैं बोट को हटा ही देता हूँ, रॉकी भी मजे लेने लगता है कहीं कहीं। ओए ये क्या, ओए बेबी पांडा गलती से लग गया, रुक जा दिक्कत मत ले। ओए ये बोट कैसे लग गई, दिमाग खराब ही हो जाता है। चल बेबी पांडा इस बोट को हटा दिया, अब तू भी थोड़ा खाना खा ले। ये क्या मुन्ना ये बड़ा हो गया। हाँ भैया ये तो बड़ा ही हो गया, खाना पाता ही भैया बड़ा हो गया। चलिए भैया अब इसको अभी थोड़े दिन के लिए यहीं पर रहेगा, फिर भैया इसके लिए एकदम मस्त घर बनाएंगे ना। और बात तो सही कही है तूने। तो हे गाइस वीडियो आपको थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो एक लाइक कर दीजिएगा ना, इससे काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस मिलता है। और गाइस कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी। और गाइस इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करना चाहते हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके फॉलो कर लेना। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा क्योंकि हम लोग 200 के फैमिली के काफ़ी ज़्यादा करीब हैं। तो गाइस तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय गुड बाय।